हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 20 जनवरी और देख लेते हैं आज के जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसको काफ़ी डिटेल में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फ्रीडम ऑफ मीडिया, यानी मीडिया जो हमारा सेक्टर है उसका क्या फ्रीडम है, उसके लेकर न्यूज़ में कुछ है आज। तो देख लेते हैं क्या क्या है न्यूज़ में। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्यों है न्यूज में देख लेते हैं। तो रिसेंटली जो है द एडिटर्स गाइड ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेस किया है एंग्यूज ओवर द शटिंग डाउन ऑफ द कश्मीर प्रेस क्लब। जो कश्मीर प्रेस क्लब है उसको शटिंग डाउन करने के लिए एक्सप्रेस किया है एडिटर्स गाइड ऑफ इंडिया ने। इट हेल्ड दैट द शटिंग डाउन ऑफ द क्लब सेट्स ए डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर मीडिया फ्रीडम। यानी इस ये जो कश्मीर का जो प्रेस क्लब है इसको बंद करने या शटिंग डाउन करने से जो प्रेस का जो या मीडिया का जो फ्रीडम है वो हैम्पर हो रहा है, वो खतरे में दिखाई पड़ रहा है। द एडिटर गाइड वॉज फाउंडेड, जो एडिटर गाइड है वो 1978 में फाउंड हुआ था विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव था उसका, क्या कि प्रोटेक्टिंग प्रेस फ्रीडम एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एडिटोरियल लीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। यानी मैगजीन और न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल छपता है उसको, इसका स्टैंडर्ड को और ज्यादा अच्छा करना, साथ ही साथ प्रेस के जो प्रेस का जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करने का काम था इसका। कुछ की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेसी, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि अपने आइडियाज को फ्री एक्सचेंज करने का यहाँ पे अधिकार है हमें। फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अपने आइडियाज को, अपने इंफॉर्मेशन को हम फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने समाज को इसके बारे में बता सकते हैं, और नॉलेज का भी फ्री एक्सचेंज हम कर सकते हैं। एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यानी हर एक डेमोक्रेसी में वो स्मूथ चल सके इसके लिए ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ए फ्री प्रेस कैन इन्फॉर्म सिटीजन्स ऑफ देयर लीडर्स सक्सेसेस और फेलियर्स। एक जब एक प्रेस जो है वो फ्रीली काम करेगा तभी वो अपने सिटीजन्स को अपने लीडर्स के सक्सेस के बारे में या उनके फेलियर्स के बारे में बता पाएगा। इट कन्वेज द पीपुल्स नीड्स एंड डिजायर टू गवर्नमेंट बॉडीज, और लोगों के जरूरतों को भी या उनके डिमांड्स को भी गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम मीडिया ही करता है। मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड स्ट्रेंथिंग सोसाइटी एज ए रिजल्ट, और समाज को भी सशक्त बनाने में वो बहुत आगे काम करता है। इट प्रोमोट्स ओपन डिस्कशन ऑफ आइडियाज दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू फुल्ली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल लाइफ, और ये प्रोमोट करता है ताकि आइडियाज को डिस्कस किया जा सके ओपनली, और इंडिविजुअल्स को भी अलाउ किया जा सके ताकि वो पॉलिटिकल लाइफ में फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि मेकिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी ये अकाउंटेबल बनाता है, यानी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी हो जाती है इन्हें जवाब देने की। ठीक है, यानी फ्री मीडिया जो है मेक पीपुल क्वेश्चन द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेक इट अकाउंटेबल। यानी मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां लोग अपने क्वेश्चंस को डायरेक्ट रेज कर पाते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और गवर्नमेंट भी उसको उसका जवाब देने पर मजबूर हो जाता है। साथ ही साथ वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड, फ्री मीडिया जो है एक वर्च्यू है फॉर बीइंग द वॉइस ऑफ द मासेस, यानी लोगों का आवाज बनकर ये हमारे सामने प्रेजेंट होता है। मीडिया हमारे सवालों को वो गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, और गवर्नमेंट से भी वो पब्लिक के लिए जवाब लेने के लिए वही आगे बढ़ता है। तो राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, ठीक है, दस द फ्री फ्री मीडिया इज क्रिटिकल इन डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में फ्री मीडिया होना बहुत ही जरूरी है। और फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा गया है मीडिया को। ड्यू टू दिस एट्रीब्यूट द मीडिया कैन बी राइटली कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, द अदर थ्री बींग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के साथ साथ जो मीडिया है उसको फोर्थ पिलर बताया गया है डेमोक्रेसी का। कुछ थ्रेट्स भी हो जाते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस में, ज्यादा फ्रीडम प्रेस को मिलती है तो क्या होता है कि फेक न्यूज भी कभी कभी दिखाए जाते हैं। गवर्नमेंट को प्रेशर किया जाता है नेम ऑफ द रेगुलेशन द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द फेक न्यूज। फेक न्यूज कई बार चलाया जाता है जिससे गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता है। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इज डेंजरस फॉर द ऑक्यूपेशन, और इस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से भी ये ऑक्यूपेशन जो है वो डेंजरस होता जा रहा है।
साथ ही साथ कुछ पेड न्यूज भी, जैसे करप्शन पेड न्यूज, एडवर्टोरियल्स, फेक न्यूज एंड थ्रेट्स टू बी फ्री एंड अनबायस्ड मीडिया, अटैक अगेंस्ट जर्नलिस्ट, द सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट इज द बिगेस्ट इशू, किलिंग एंड असॉल्ट्स ऑन जर्नलिस्ट कवरिंग सेंसिटिव इश्यूज आर वेरी कॉमन। यानी कई बार जर्नलिस्ट को जिंदगी पर भी खतरा आ जाता है, कई बार वो सच्चाई को सामना लाना चाहते हैं लेकिन उन पर हमला कर दिया जाता है, उनको मारने की कोशिश की जाती है अगर वो सेंसिटिव इश्यूज पर वो बात कर रहे हैं तो। कुछ जैसे कि रिपोर्ट सच है, जैसे फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, फ्रीडम हाउस यूएस 2020, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, ऑटोक्रेटिसाइजेशन गोज वायरल, ठीक है, विडम इंस्टीट्यूट स्वीडन, ऑल जो ये हाईलाइट करता है कि जर्नलिस्ट इन इंडिया। बायस्ड मीडिया के बारे में कुछ बता दे तो कॉरपोरेट एंड पॉलिटिकल पावर जो हैज ओवरवेलम्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया बोथ प्रिंट एंड विजुअल विच लीड टू वेस्टेड इंटरेस्ट एंड डिस्ट्रॉय फ्रीडम। ये लोग अपने मर्जी से न्यूज चलाना चाहते हैं ताकि वो जो वो कहना चाह रहे हैं, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो, वो मीडिया के माध्यम से कई बार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मीडिया भी कई बार बायस्ड हो जाता है, मीडिया को भी खरीद लिया जाता है, कई बार देखा गया है कि वो फेक न्यूज भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इन इंडिया क्या है? प्रेस फ्रीडम इन इंडिया तो रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1905 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापड़ और स्टेट ऑफ मद्रास ऑब्जर्व किया था दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस ले एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 के तहत ये भी कहा गया है कि हमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी हम कुछ भी चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारा फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 9 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है। इम्प्लिसिट राइट भी है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन लीगल सिस्टम बट इट इज इम्प्लाइडली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ए लॉ कुड इम्पोज ओनली दोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट, इट फेसेस सर्टेन रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2) विच इज एज फॉलोज। कुछ है जैसे कि सोवरजिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक है। साथ ही कुछ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अगर बारे में बता दें तो इसको ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसको स्टेब्लिश किया गया था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के तहत। इसका एम है टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड मेंटेन एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज एजेंसीज इन इंडिया। न्यूज एजेंसीज इन इंडिया इंटरनेशनल इनिशिएटिव है फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या, कि पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ पब्लिशेस एनुअली अ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को प्रेस करता है। इंडिया का जिसमें रैंक आता आया है 142nd आउट ऑफ 180 कंट्रीज में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं, गो थ्रू इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे करंट के साथ साथ हमारे जीएस के लिए, और स्पेशली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेगमेंट है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हंगर इन इंडिया। हंगर इन इंडिया क्यों है न्यूज में, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों है न्यूज में देख लेते हैं। तो रिसेंटली जो है यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को दैट नो स्टारवेशन डेथ डेथ बाय हंगर हैज बीन रिपोर्टेड बाय एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इन रिसेंट ईयर। यानी कि कुछ सालों में भूख के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई है, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। की पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं कि द पेटिशन यानी हाईलाइट हाउ स्टारवेशन डेथ कंटिन्यू टू ईट इनटू द राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ ए सोशल फैब्रिक एंड रेडिकल न्यू मीजर्स लाइक कम्युनिटी किचन्स नीड टू बी सेट अप अक्रॉस द कंट्री टू फीड द पुअर एंड द हंगर। यानी कि कम्युनिटी किचन्स यानी हर शहर में ऐसा एक किचन
सरकार को खोलना चाहिए, ताकि कुछ ऐसे योजनाएं चलानी चाहिए भूख के कारण किसी की भी मौत ना हो। ठीक है, जैसे पेटिशन वॉज रेफर टू राजस्थान अन्नपूर्णा रसोई, इंदिरा किचन इन कर्नाटका, दिल्लीज आम आदमी कैंटीन, अन्ना कैंटीन ऑफ आंध्र प्रदेश, झारखंड, मुक्तया मंत्री दाल भात एंड उड़ीसा आहार सेंटर। इस तरह के कई सारे सेंटर है जो कंट्रीज में कुछ कुछ एरिया में है, जो पुअर के लिए पुअर हंगरी से हंगर ना रहे, उनको खाना मिल जाए, ठीक है, इसके लिए ये प्रोवाइड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सेंटर से किया कि टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मॉडल कम्युनिटी किचन स्कीम को यह और ज्यादा बढ़ाए, ठीक है, बाय विच इट कुड सपोर्ट द स्टेट्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर। इट आस्क द सेंटर टू मेक ए मॉडल स्कीम एंड लीव इट टू द स्टेट्स टू फॉलो द गाइडलाइंस डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअल फूड हैबिट्स। कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए नेशनल फूड ग्रिड बाय द सेंटर विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। हंगर इन इंडिया रिलेटेड डेटा है कुछ कि फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2018, यानी कि देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम से ये अलग होगा, ठीक है, ये पीडीएस के अंदर नहीं आएगा, ये अलग एक स्कीम होगा जिसके अंदर हम पुअर को जो है डायरेक्ट खाना प्रोवाइड करेंगे कुछ कैंटीन्स के माध्यम से। ठीक है, ये रिलेटेड डेटा देख लेते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2000 स्टार्ट इसके अंदर इंडिया हाउसेस 19,195.9 मिलियन ऑफ द 821 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपुल इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 24% ऑफ द वर्ल्ड्स हंगरी। प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिश्ड इन इंडिया इज 14.8% हाइयर देन द बोथ ऑफ द ग्लोबल एंड एशियन एवरेज। 2017 का जो नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ था, जिसमें 19 करोड़ पीपुल जो है कंट्री में वेर कंपिल्ड टू स्लीप ऑन एन एम्प्टी स्टोमक एवरी नाइट, ठीक है, भूखे ही सो जाते हैं इससे बहुत सारे लोग हैं, और अप्रोक्सीमेटली जो 4,500 चिल्ड्रेन जो है वो मरे हैं एवरी डे अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स इन द कंट्री ड्यू टू हंगरी एंड मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, इंडिया का जो पोजिशन है 101st पोजिशन है इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 कंट्रीज में, फ्रॉम जो कि पोजिशन इसका और ज्यादा खराब हुआ है, पहले 94th पोजिशन में था, 101 में आ गया है। कॉजेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन का कारण क्या है? तो कैलोरीफिक डेफिशिएंसी, ठीक है, सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स, देर आर कैलोरिक डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट प्रॉपर, इवन सही मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के कारण जो है वो कैलोरीज बढ़िया से नहीं मिल पाती है, तो डेफिशिएंसी कैलोरिक डेफिशिएंसी हो जाती है। प्रोटीन हंगर, यानी कि पल्सेस यानी दाल वगैरह जो है प्रोवाइड नहीं हो पाता है, खासकर मिड डे मील में जो एग वगैरह है वो मिसिंग रहता है, ठीक है, उसमें भी करप्शन लोग करने के से पीछे नहीं हटते हैं, तो इस तरह से बच्चों को जो है वो प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो हंगर ही रहते हैं और उनको प्रॉपर जो है वो विटामिन्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता है स्कीम के होने के बावजूद। ठीक है, वहां पे भी करप्शन चल ही रहा है भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके पीछे। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो जाता है कई बार, ठीक है, प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता है उन्हें। अदर कुछ फैक्टर्स है जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर पुअर एक्सेस है, सैनिटेशन पुअर है, इम्यूनाइजेशन लो लेवल पर है, एजुकेशन स्पेशली ऑफ वुमेन भी वो भी खराब स्थिति में है। ठीक है, गवर्नमेंट के कई सारे इंटरवेंशन है इसमें, जैसे कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो सिटीजन्स है एवरी ईटिंग राइट है उनको, पोषण अभियान चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो जो कि 1 जनवरी 2017 से लागू है, जिसके अंदर ये ठीक है कि मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है बीइंग इंप्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन चलाया गया है, ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि की विटामिन्स और मिनरल्स जैसे कि आयरन, आयोडाइन, जिंक, विटामिन ए और इस सब, मिल्क वगैरह, राइस वगैरह, एग वगैरह, सारा कुछ जो है न्यूट्रिएंट कंटेंट इम्प्रूव होना चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है जो कि टारगेटेड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, मिशन इंद्रधनुष है, कई सारे ऐसे बहुत सारे स्कीम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, फिर भी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नहीं दिखाई पड़ती है। इसका जो मेजर जो कारण है वो है
करप्शन, ठीक है, सही लोगों तक सही चीजें नहीं पहुंच पाती है, लोग इसको भी चोरी कर लेते हैं। आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है ये वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक ओवरव्यू उसका रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इससे बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो आप ये सारे कंटेंट को वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काउंटर प्रोडक्टिव हाई टैरिफ्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। काउंटर प्रोडक्टिव हाई टैरिफ्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में हाई टैरिफ से रिलेटेड कुछ न्यूज में है, वो हम देख लेते हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों है न्यूज में वो हम लोग देख लेते हैं। तो रिसेंटली जो है एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन जो सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है, उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो पॉलिसी है ऑफ एडॉप्टिंग हाई टैरिफ्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मे प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। रिसेंटली अ रिपोर्ट बाय द इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन हैज स्टेट दैट इंडिया जो पॉलिसी फॉर एडॉप्टिंग हाई टैरिफ्स इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स मे इम्प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन इज द एपेक्स इंडस्ट्री बॉडी फॉर ऑफ द मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कंप्राइजिंग मैन्युफैक्चरर्स। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इम्पोर्ट टैरिफ हाई, कितना टैरिफ में हाइक हुआ है वो देख लीजिए। तो प्लास्टिक और रबड़ में 18% का हाइक हुआ है, टेक्सटाइल सेक्टर में 2% का हाइक हुआ है, मेटल्स में 7% का हाइक हुआ है, अदर्स में 3% का, इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस में जो है वो 2% का, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल गुड आइटम्स में 68% का। तो सबसे ज्यादा हाइक यहीं पे देखने को मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल गुड्स आइटम्स में। की पॉइंट देख लेते हैं कि हाई टैरिफ क्या होता है। तो इंडिया ने अडॉप्ट किया हाई टैरिफ ऑन द इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिससे कि टू रिड्यूस रिस्क फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन एंड सेफ डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है। इंडिया वर्सेस अदर नेशन अगर हम लोग बात करें तो ऑल द कंट्रीज हैव ट्राइड टू इनकरेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन देयर ज्योग्राफिक्स बाय अडॉप्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेटेजीज। यानी कि टैरिफ को इसलिए बढ़ाया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आइटम में, ठीक है, ठीक है। सच एज अट्रैक्टिंग एफडीआईज, एफडीआई को अट्रैक्ट करने में भी, इम्प्रूविंग डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एंड कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और लिंकिंग देयर मार्केट्स विद ग्लोबल वैल्यू चेन और ग्लोबली अपने मार्केट को जोड़ने के लिए। चाइना देखिए, चाइना से 1980 से चाइना हैज इम्प्रूव इट्स रैंकिंग, चाइना ने अपने रैंकिंग को इम्प्रूव किया है इन टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करने में फ्रॉम 35 to 1, यानी 35 पोजिशन से फर्स्ट पोजिशन पर वो लाया है इन चीजों को एक्सपोर्ट करने के मामलों में। वाइल वियतनाम जो है जो कि डिड नॉट एक्सपोर्ट एनी सच इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, 1990 तक जो है वियतनाम जो है किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन ही हैज क्लाइम्ब द लैडर टू बिकम द 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इन जस्ट 20 ईयर्स, यानी कि सिर्फ 20 सालों में जो है वियतनाम जो है 8वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है इन सब चीजों को एक्सपोर्ट करने के मामलों में। वहीं मेक्सिको जो है वो सिमिलरली, मेक्सिको जो है 37th इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में था 1980 तक, जिसने राइज किया और आज वो 11वें पोजीशन पर है इन सब चीजों को एक्सपोर्ट करने में। वही थाईलैंड का भी पोजीशन बहुत अच्छा हुआ है। इंडिया का जो पोजीशन है वो 40th पोजीशन था 1980 तक, लेकिन 28th पोजीशन पर वो आ चुका है 2019 तक, यानी प्रोग्रेस हुआ है और ज्यादा प्रोग्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। हाई टैरिफ्स एंड इंडियाज लॉसेस को अगर हम लोग देखें तो वन मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज हेवी रिलायंस ऑन टैरिफ, वो ज्यादा जो है वो टैरिफ्स पर डिपेंडेंट है। तो ड्यू टू सच हाई टैरिफ्स दैट इन्वेस्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मेकर्स फ्रॉम ग्लोबल मार्केट शाय अवे फ्रॉम इंडिया, इसलिए जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया से दूर रहते हैं क्योंकि यहाँ का टैरिफ बहुत ज्यादा होता है। ग्लोबल वैल्यू चेन भी है वो रिमेंड लो ही रहता है इसके वजह से, साथ ही साथ इन इट्स पार्टिसिपेशन जो एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल ट्रेड में वो भी लो रहता है,
और द अजम्पशन दैट इट विल बी बेनिफिशियल टू मोस्ट कंपनीज सिंस इट इज लार्ज एंड ग्रोइंग इज रॉन्ग। ठीक है, तो हाई टैरिफ के चलते जो है ग्लोबल मार्केट में वो एक अच्छा पोजीशन बनाने में अभी भी पीछे है। ठीक है, द इंडियाज डोमेस्टिक मार्केट जो है वो 6.5% ऑफ द ग्लोबल मार्केट है। इंडियाज मार्केट शेयर इज नॉट अट्रैक्टिव इनफ फॉर एफडीआई टू चूज इंडिया एज ए लोकेशन। ठीक है, काउंटर प्रोडक्टिविटी ऑफ पीएलआई स्कीम जो है, पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, दैट इज दैट कंपनीज विच हैव एक्सटेंसिव ग्लोबल वैल्यू चेन आर रियली इंटर इंडिया व्हेन टैरिफ फॉर कंपोनेंट्स आर हाई। ठीक है, इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन विच टैरिफ हैज बीन इंक्रीज्ड। इंडिया मस्ट कीप इट्स टैरिफ एट ए बेयर मिनिमम टू इंश्योर इट रिमेन कॉम्पिटिटिव एमोंग इट्स पियर्स इन एशियन नेबर। रिलेटेड कुछ इंसेंटिव है, इनिशिएटिव्स है इसके। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो ट्रेमेंडसली ग्रोथ विद द डिमांड एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 400 बिलियन US डॉलर बाय 2023-24 तक, ये टारगेट है कि हमें इतना ज्यादा ग्रो करना है। ठीक है, प्रोडक्शन जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज ग्रोन फ्रॉम 29 US बिलियन डॉलर इन 2014-15 टू नियरली 70 US बिलियन डॉलर इन 2019-20। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है। ठीक है, तो आप इसको बस इतना ही था इस टॉपिक में। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, काउंटर प्रोडक्टिव हाई टैरिफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों है न्यूज में वो देख लेते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का जो टेन्योर है 3 साल का, उसे बढ़ा दिया जाएगा और बियॉन्ड 31 मार्च 2022। जो मेजर बेनिफिशियरीज है जो सफाई कर्मचारी एंड आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कार्वेजर्स इन द कंट्री। ठीक है, मैनुअल स्कार्वेजिंग जो है डिफाइन द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लेटरिन्स क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स गटर्स एंड सीवर्स। ठीक है, की पॉइंट्स कुछ है देख लेते हैं। तो अबाउट, तो ये जो स्टेब्लिश हुआ था ये 1993 में स्टेब्लिश हुआ था एनसीएस के जो है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो एक्ट है 1993 का, टू गिव रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर वेलफेयर ऑफ द सफाई कर्मचारी। तो द नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी जो एक्ट है वो सीज्ड इफेक्ट हुआ में आया था 29 फरवरी 2004 से, जिसका कि आफ्टर दैट द टेन्यूर जो है इसका वो एक्सटेंड कर दिया गया था एज ए नॉन स्टैचुटरी बॉडी के रूप में। टाइम टू टाइम उसमें रिजोल्यूशन होता रहा। कुछ प्रोहिबिशन है ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेजर्स एंड देयर रिहैबिटलाइजेशन एक्ट 2013 के तहत, कि ये जो है ये असाइंड होते हैं वर्क टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, टेंडर एडवाइस ऑफ इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रावेंशन और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, स्टेटस क्या है? तो ये नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी जो 2020 का डेटा, ये टोटल ऑफ 631 पीपल जो है इसमें मरे हैं, इनमें मौत हुई है इस कारण से, वाइल क्लीनिंग सीवर्स जो है या सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के वजह से। 2019 में देखा गया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ मैनुअल सीवेजर्स की मृत्यु हुए है इन द लास्ट 5 ईयर्स, और 110 जो वर्कर्स है वो किल हुए हैं सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के दौरान। 61% आर कंपेयर एज कंपेयर टू 2018 एंड सॉ 68 केसेस ऑफ सिमिलर डेथ्स। ठीक है, 2018 में करीब 30,000 के लोग जो है उत्तर प्रदेश में उनका डेथ देखने को मिला है, मेकिंग द हाईएस्ट इन एनी स्टेट इन इंडिया। नहीं नहीं सॉरी, 30,000 जो पीपुल है वो मैनुअल्स जो स्कार्वेजिंग है, यानी लोग जो गटर साफ करते हैं या सेप्टिक टैंक साफ करते हैं, वो इतने लोग करीब करीब उत्तर प्रदेश में ही जुटे हैं, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है स्टेट में। कुछ रिलेटेड स्कीम है इससे, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज, स्वच्छ अभियान ऐप, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है इसमें। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जो इनके लिए टाइम टू टाइम इन स्कीम आती रही है।
प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कारवेजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, जिसमें कि द एक्ट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कारवेजर्स, मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स विदाउट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के ये लोग इस सीवर्स या सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए जाते हैं, जो कि उनके लिए कई बार प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। ठीक है, रिहेबिलिटेटेड मैनुअल स्कारवेजर्स एंड प्रोवाइड फॉर देयर इट सीक्स टू बी रिहेबिलिटेटेड मैनुअल स्कारवेजर्स एंड प्रोवाइड फॉर देयर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। ईच ऑक्यूपायर्स ऑफ इनसेनिटी लैटरिंस शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग और डिमोलाइजिंग द लैटरिन एट हिज ओन कॉस्ट। इफ ही फेल्स टू डू सो द लोकल अथॉरिटी शैल कन्वर्ट द लैटरिन एंड रिकवर द कॉस्ट फ्रॉम हिम। द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल सीवेजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन, जो अमेंडमेंट बिल 2020 को हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है सफाई कर्मचारी को लेकर, तो कई बार एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ओवरव्यू रख सकते हैं आप इसमें। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है देवास एंड ट्रिक्स डील। देवास एंड ट्रिक्स डील क्या है, क्यों है, न्यूज में देख लीजिए। तो द कॉन्ट्रोवर्सियल डील बिटवीन इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेसेस कमर्शियल एंटिटी एंट्रिक्स एंड बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया हैज बीन अंडर द स्कैनर फॉर मोर देन ए डिकेड नाउ। ठीक है, कुछ की पॉइंट पर की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ग्रांटेड इंडिया एस बैंड स्पेक्ट्रम इन द 1970s। हैंडलिंग ओवर ऑफ स्पेक्ट्रम टू इसरो बाय 2003, देयर वॉज ए फियर दैट द स्पेक्ट्रम वुड बी लॉस्ट इफ नॉट इवन इफेक्टिवली। 40 MHz ऑफ एस बैंड वॉज गिवेन टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम फॉर टेरेस्ट्रियल यूज, 70 MHz वॉज टू बी पुट टू एफिशेंटली यूज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इन इफेक्ट टू बी यूज बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ग्लोबल नेगोशिएशन फॉर ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड एंट्रिक्स इन जुलाई 2003 फॉर द यूज ऑफ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। साइन ऑफ द डील इन 2005, द डील वॉज साइन टू बी प्रोवाइड मल्टीमीडिया सर्विसेज टू मोबाइल यूजर्स यूजिंग द लीज्ड एस बैंड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। अंडर द डील इसरो वुड लीज टू देवास टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स GSAT-6 एंड 6A फॉर 12 ईयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इसमें। स्क्रैपिंग ऑफ द डील जो है, द डील वॉज कैंसल्ड इन 2011 ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट द ऑप्शन ऑफ द ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम वॉज फिक्स्ड इन फ्रॉड। द डिसीजन वॉज टेकन इन द मिड्स ऑफ द 2G स्कैम एंड एलिगेशन दैट द देवास डील इन्वॉल्वड द हैंडलिंग ओवर ऑफ कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम वैल्यूड एट नियरली ₹2 लाख करोड़ फॉर ए पिटेंस। फाइलिंग ऑफ करप्शन के चार्जेस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाइल्ड अ चार्ज शीट अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ देवास इसरो एंड एंट्रिक्स लिंक्ड टू द डील फॉर बीइंग पार्टी टू ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अमंगस्ट देम वेयर द फॉर्मर इसरो चेयरमैन जी माधवन नायर एंड फॉर्मर एंट्रिक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के आर श्री श्री श्रीधरन मूर्ति। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल एट्रिब्यूशन, देवास मल्टीमीडिया इनिशिएटेड आर्ट्रिब्यूशन अगेंस्ट द अलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा, इसको इसी तरह से समझना होगा। ठीक है, टू सेपरेट एट्रिब्यूशन वेयर ऑल्सो इनिशिएटेड अंडर द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बाय मॉरिशियस इन्वेस्टर्स इन देवास मल्टीमीडिया अंडर द इंडिया मॉरिशियस BIT बाय द ड्यूस्टेक टेलीकॉम ए जर्मन कंपनी अंडर द इंडिया जर्मन बिट। इंडिया लॉस्ट ऑल थ्री डिस्प्यूट्स। ठीक है, साथ ही साथ $1.29 बिलियन का डैमेज भी हुआ। आफ्टर मैथ ऑफ ट्रिब्यूनल अवार्ड, फ्रेंच कोर्ट हैज रिसेंटली ऑर्डर्ड द फ्रीजिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इन पैरिस। ठीक है, इंडियन आर्ट्रिब्यूशन सिनारियो क्या है कि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रिएटेटेड द गवर्नमेंट्स 2011 स्टैंड्स एंड डायरेक्टेड द वाइडिंग अप ऑफ देवास मल्टीमीडिया बिजनेसेस इन इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड द प्रीवियस अवार्ड बाय द नेशनल कंपनी
लॉ, अपेलेंट ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ठीक है। एंट्रिक फाइल्ड अप्लाई इन द एनसीएलटी इन जनवरी 2000 फॉर द लिक्विडेशन ऑफ देवास इन इंडिया, 2021 फॉर द लिक्विडेशन ऑफ देवास इन इंडिया विच इज सेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, ए प्रोविजनल लिक्विडेटर फॉर द पर्पस। सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय फॉरेन कंट्रीज, द स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज। दिस एमिनेट्स फ्रॉम ए वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ रेफर टू एज स्टेट इम्यूनिटी। दिस कवर्स इम्यूनिटी फॉर बोथ ज्यूरिसडिक्शन एंड एग्जीक्यूशन। हाउएवर, देयर इज नो इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट इन फोर्स डीलिंग विद स्टेट इम्यूनिटी इन द म्युनिसिपल लीगल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। दिस हैज क्रिएटेड एन इंटरनेशनल वॉइड। Consequently, countries have filled this void through their national legislation and domestic judicial practices on state immunity. ठीक है, concept of restrictive immunity, ये वही, ठीक है। S band spectrum के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा important हो जाता है। S band spectrum जो है was a part of the Devas ISRO deal, extremely valuable for mobile broadband services. फ्रीक्वेंसी जो होगा 2.5 गीगाहर्ट्ज बैंड, फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी सच एज वीमैक्स एंड लॉन्ग टर्म एवेल्युएशन। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है एक एग्रीमेंट है दो कंट्री के बीच में, रेसिप्रोकल अंडरटेकिंग फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बिट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल नेशनलाइजेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेन एसेट्स। अलाउज फॉरेन इन्वेस्टर्स टू सू स्टेट्स डायरेक्टली बाय सबमिटिंग क्लेम्स फॉर ब्रीच ऑफ द बीआईटी टू एट्रिब्यूशन। एंट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में भी जान सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी, कि ये होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, ये अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो, कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेस। ठीक है, फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज इन इंडिया। कुछ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में भी जान लीजिए, कि यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, जिसका 1965 में फाउंड हुआ था। एक इंटरनेशनली कनेक्टिविटी होता है इसका, बेस्ड जिनेवा स्विट्जरलैंड की है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप है, इसमें 12 रीजनल एंड एरिया ऑफिसेस इन द वर्ल्ड, 193 मेंबर स्टेट है, अराउंड 800 पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एज वेल इंटरनेशनल एंड रीजनल टेलीकम्युनिकेशन एंटिटीज है इसकी। आईटीयू काउंसिल फॉर अनदर 4 इयर्स टर्म्स फ्रॉम 2022 तक है इसमें। ठीक है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में अगर जानना है वो भी बता देते हैं, कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये। ये रिज्यूम करता है अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कमर्शियल और बिजनेस डिस्प्यूट होता है उसको। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन एक ओवरव्यू आप इसका रख सकते हैं देवास एंट्रिक्स डील का, जो कि इसरो से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये ज्योग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्यों है न्यूज में देख लेते हैं। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है सिचुएटेड जस्ट 60 किलोमीटर फ्रॉम द आइसलैंड नेशन ऑफ टोंगा, वेयर रिसेंटली हंगा टोंगा हुंगा हा आपी वॉल्केनो जो है वो फूटा है, जो और सेंडिंग एश एंड स्मोक थाउजेंड्स ऑफ फीट इन द एयर। ठीक है, ये है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स अगर देखना है तो देख सकते हैं कि जो पैसिफिक रिम एक सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज एन एरिया अलोंग द पैसिफिक ओशियन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव वॉल्केनोज एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज है और यहाँ पे अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंटली आते हैं। 75% ऑफ द वर्ल्ड जो वॉल्केनो है और मोर देन 450 वॉल्केनो जो है वो यहीं पे है, और लगभग 90% वर्ल्ड में जो अर्थक्वेक होता है वो यहीं पे होता है। ज्योग्राफिकल स्ट्रेच अगर हम लोग बोले तो द रिंग ऑफ फायर जो स्ट्रेच है 4000 किलोमीटर का इसका बाउंड्रीज है, जो कि बिटवीन है सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स के, जिसमें पैसिफिक, जुआन डिफूका, कोकोस, इंडियन ऑस्ट्रेलियन
नाजका, नॉर्थ अमेरिका और फिलीपींस प्लेट इसमें शामिल है। अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट द चेन्स रन अप अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका क्रॉसेस ओवर द एलुटियन आइसलैंड्स इन अलास्का। ठीक है, इन सभी जगहों से वो पास आउट होता है। और इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेसेस लोकेटेड इन द रिंग ऑफ फायर, ये सारी जगह है वहां पे। कॉजेज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी का कारण क्या है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है मूव करता है ईच अदर, क्रिएटिंग सबडक्शन जोन बनाता है, और वन प्लेट जो गेट पुश्ड डाउन और इन सब सबडक्टेड बाय द अदर प्लेट। ठीक है, तो दिस इज द स्लो पॉज, स्लो प्रोसेस है, एक मूवमेंट ऑफ जस्ट 1 or 2 inches पर ईयर। ठीक है, एज दिस सबडक्शन हैपन रॉक्स मेल्ट बिकम मैग्मा एंड मूव द टू अर्थ सर्फेस एंड काउजेस वॉल्केनिक एक्टिविटी। इन द केस ऑफ द टोंगा द पैसिफिक प्लेट वॉज पुश डाउन बिलो द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड टोंगा प्लेट काउजिंग द मोल्टन रॉक टू राइज अबव एंड फॉर्म द चेन ऑफ वॉल्केनोज। रिसेंट रिसर्च के अनुसार द पैसिफिक प्लेट विच ड्राइव्स मूव टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी इन द रिंग्स ऑफ फायर इज कूलिंग ऑफ। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द यंगेस्ट पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक प्लेट अबाउट 2 million years ओल्ड आर कूलिंग ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एट अ फास्टर रेट दैट द ओल्डर पैसिफिक ऑफ द प्लेट। द यंगर पार्ट ऑफ द प्लेट आर फाउंड इन इट्स नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स द मोस्ट एक्टिव पार्ट्स ऑफ द रिंग ऑफ फायर। इस तरह से सबडक्शन होता है। ठीक है, एक प्लेट इसे मूव कर रहा है, एक प्लेट ऐसे मूव कर रहा है, तो एक सबडक्शन जोन बनता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो लावा मेल्ट होता है, यही लावा जो है यहाँ से निकलता है, जमीन के बाहर आता है, और इस तरह से वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। सबडक्शन जो होता है व्हेन टेक्टोनिक प्लेट जो शिफ्ट करता है, वन प्लेट इज पुश्ड अनदर। ठीक है, जो ये मूवमेंट होता है ओशियन फ्लोर पर होता है, प्रोड्यूस एक मिनरल ट्रांसम्यूटेशन होता है विच लीड्स टू द मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनो। ये आप ये जो है ये पिक्चर से ज्यादा अच्छा से आप समझ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कई सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बन जाते हैं, जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट, सबडक्शन, फीचर्स एंड कॉजेज ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। ठीक है, ये सारे जो ज्योग्राफिक से और करेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक का आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है ईस्टर्न स्वैम्प डियर। ईस्टर्न स्वैम्प डियर देख लीजिए फोटो, ये है ईस्टर्न स्वैम्प डियर का फोटो, दिखा देता हूँ एक बार, देखिए ये है ईस्टर्न स्वैम्प डियर। ठीक है, इसकी ये न्यूज में है, क्यों है न्यूज में, तो रिसेंटली जो है द पॉपुलेशन ऑफ द वल्नरेबल ईस्टर्न स्वैम्प डियर हैज डिप्ड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो आसाम में है, जो इज द ईस्टर्न स्वैम्प डियर इज एक्सटिंक्ट एल्सवेयर इन साउथ एशिया। दिस डिक्लाइन कैन बी एट्रिब्यूटेड टू टू हाई फ्लड्स इन 2019 एंड 2020, इन 2019 एंड 2020। हाउएवर इन द ब्राइटर साइड द ईस्टर्न स्वैम्प डियर हैज नाउ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू एरियाज बियॉन्ड द काजीरंगा नेशनल पार्क सच एज ओरांग नेशनल पार्क एंड लाखवा, ये वाइल्ड सेंचुरी जो आसाम में है। की पॉइंट्स क्या है कि अबाउट स्वाम्प डियर जो है, ये देयर आर 3 sub species ऑफ स्वाम्प डियर फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसके 3 प्रजाति स्वाम्प डियर के पाए जाते हैं। द वेस्टर्न स्वाम्प डियर फाउंड इन नेपाल, साउदर्न स्वाम्प डियर हार्ड ग्राउंड बारासिंघा जो है वो मिलता है इन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया में। ईस्टर्न स्वैम्प डियर फाउंड इन काजीरंगा असम में एंड दुधवा नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश में। प्रोटेक्शन स्टेटस जो स्वैम्प डियर का, यह IUCN रेड लिस्ट में जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ये आता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप क्यों है न्यूज में देख लेते हैं। सारथी मोबाइल ऐप रिसेंटली जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सारथी मोबाइल ऐप, जो कि ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन। ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रुपीज को। ठीक है,
कुछ की पॉइंट्स इसके बारे में देख लेते हैं। इट एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर्स अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, यानी अपने इन्वेस्टर्स को कुछ सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए ये ऐप जो है सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। द ऐप विल ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट KYC प्रोसेस, ऐप जो है वो KYC प्रोसेस के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में और सेटलमेंट के बारे में भी बताएगा। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड से भी के बारे में भी बताएगा कि उसमें किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिसेंट मार्केट डेवलपमेंट क्या है। इन्वेस्टर ग्रीवांसेस रिड्रेशल मैकेनिज्म के बारे में भी थोड़ा वो जानकारी देगा। नीड क्या है इसका कि रिसेंट सर्ग इज सीन इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंटरिंग द मार्केट, यानी कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी मार्केट में एंटर कर रहे हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेडिंग बिंग मोबाइल फोन के जरिए जो ट्रेडिंग हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के अनुसार जो शेयर है इंडिविजुअल इन्वेस्टर का वो इंक्रीज किया है 45% 2021 में फ्रॉम 39% इन 2020, यानी कि जो इन्वेस्टर्स की संख्या वो बढ़ी है। तो द NSE इन द इंडियाज लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। सिक्योरिटीज मार्केट जो है क्या है, सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड टू रेज फंड। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इज टू इनेबल द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम दोज दैट हैव इट टू दोज दैट नीड इट। सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड चैनल्स फॉर एलोकेशन ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट्स एंड देयर बाय डीकपल दीज टू एक्टिविटीज। एग्जाम्पल जैसे इक्विटी, डेब्ट, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। कुछ सेबी के बारे में जान लीजिए कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 12 अप्रैल 1992 को हुआ था, जो प्रोविजन अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में। ठीक है, इसका जो बेसिक फंक्शन है प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट को इन्वेस्टर्स का इन सिक्योरिटीज और प्रोमोट करना, रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट को। सेबी के जो कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन और सेवरल अदर जो होल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। सेबी ऑल अपॉइंट करता है वेरियस कमिटीज को जब रिक्वायर होता है तब, ताकि प्रेसिंग इश्यूज ऑफ दैट टाइम। ठीक है, आई होप ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हुआ होगा। साथी ऐप डायरेक्टली पूछ लेगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, या और किस चीज़ से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होंगे। और ये आर जो है इसमें ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आज का जो करंट अफेयर्स का जो ये वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कल का 19 तारीख का और 20 तारीख का जो क्विज वाला जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है वो मैं कंबाइन लेने वाला हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि 19 तारीख का नहीं आया। तो दोनों का, 19 और 20 दोनों का एक साथ मैं अपलोड करूंगा एक कंबाइन वीडियो के साथ। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।